नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जाने कैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन। बिहार के प्रमुख जलाशयों में केवल 17% ही बचा है पानी। बिहार के पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर स्कूलों की अवकाश तालिका का होगा निर्माण। अब व्हाट्सएप AI आपके फोटो का तैयार करेगा अलग अलग रूप। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लंबे कतार में खड़े होने की नहीं होगी जरूरत। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इस शख्स के कहने पर टीम इंडिया के लिए रुके द्रविड़। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक के पदों पर निकली भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज इसके आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cgpt.edac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती कुल 320 पदों पर आई है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने नाविक पद पर 12वीं मैथ और फिजिक्स के साथ पास किया हो। वहीं यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जाने कैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन। IPRD बिहार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन की प्रक्रिया बताई है। इस योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको https://udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, लिंक, मोबाइल और आधार नंबर दर्ज करना होगा। फिर OTP भर के पंजीकरण पूर्ण करना होगा। उसके बाद अपना आधार और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना पर्सनल डिटेल जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता और अपने परियोजना आदि की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल अपलोड करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें जैसे जाति, आवासीय प्रमाण पत्र और प्रोफाइल फोटो, सिग्नेचर आदि। आखिर में अपने फॉर्म की जांच कर उसे सबमिट कर दे। फिर अपना एनरोलमेंट नंबर सेव कर ले। इस तरीके से उद्यमी योजना के लिए आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। बिहार ने IT सेक्टर में कदम बढ़ाया आगे। IT के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसी कड़ी में पटना में अमेरिका के एनालिटिक्स और AI कंसल्टिंग कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने अपना ऑफिस खोला है, जिससे अब बिहार में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर वैश्विक IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शुरू हुआ है। उद्यमी भवन में ये सेंटर पटना के गांधी मैदान के पास शुरू हुआ है। बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आज निश्चित रूप से बिहार के उद्योग और IT क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। 7 जुलाई तक काउंटर से नहीं बल्कि यहाँ से होगा स्मार्ट मीटर रिचार्ज। बीते मंगलवार से गुरुवार तक बिजली कार्यालय का सर्वर ठप रहने वाला है, क्योंकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सर्वर का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। इस दौरान किसी भी बिजली काउंटर से स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि सुगम ऐप के जरिए आप चाहे तो स्मार्ट मीटर रिचार्ज कर सकेंगे। इस संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सर्वर मेंटेनेंस को लेकर NBPDCL की साइट से तथा काउंटर से आप रिचार्ज नहीं कर सकेंगे, सुगम ऐप से आप रिचार्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों से इस बात की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। बिहार के पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर स्कूलों के अवकाश तालिका का होगा निर्माण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नए फैसले लिए हैं। इसके तहत स्कूल कैलेंडर के लिए शिक्षा विभाग ने नई कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी स्कूल कैलेंडर 2024-25 के लिए है, जो अवकाश तालिका का निर्माण करेगी। कमेटी द्वारा कैलेंडर 2024-25 में बिहार के पर्व त्योहार खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर अवकाश तालिका का निर्माण किया जाएगा। वहीं जारी हुए आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे। 3 सदस्यीय टीम में शिक्षा परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य बनाए गए हैं। ये समिति 15 दिनों के अंदर कैलेंडर 2024-25 तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। कैलेंडर 2024-25 पर शिक्षा मंत्री मुहर लगाएंगे।
पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। नीतीश सरकार पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार द्वारा 50-60% आरक्षण ईसीबी ओबीसी एससी एसटी के लिए तय किया गया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इस फैसले को नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंच चुकी है। ये याचिका वकील मनीष सिंह के माध्यम से दायर की गई है। 13 दिन में 6 पुल ढहने के बाद बिहार सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति का किया गठन। बिहार में इन दिनों कई जगहों से पुल ढहने की खबर सामने आई है। विपक्ष ने इसे लेकर खूब हंगामा भी किया है। महज 13 दिन में बिहार में 6 पुल ढह गए हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुल ढहने की घटनाओं की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के उपाय भी सुझाएगी। समिति विशेष रूप से RWD द्वारा बनाए जा रहे या बनाए जा चुके पुलों से संबंधित घटनाओं की जांच करेगी और 2-3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। आगे उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ पुल चालू नहीं थे और उनमें से कुछ को मरम्मत की जरूरत थी। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के 113 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जिसके आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए होगी। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मैकेनिकल या सिविल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लंबे कतार में खड़े होने की नहीं होगी जरूरत। जब भी हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए हमें टिकट विंडो के सामने लंबी कतार में खड़े होने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको लंबी कतार में लगने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है और आप चाहें तो महज कुछ सेकेंड में ही अपने प्लेटफॉर्म टिकट को बुक कर सकते हैं। रेलवे यात्री चाहें तो UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इस ऐप के माध्यम से केवल रेलवे परिसर के बाहर से ही आप टिकट बुक कर सकेंगे। पटना समेत इन शहरों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनेंगे पावर सब स्टेशन। ऊर्जा विभाग ने आधा दर्जन जिलों में पटना सहित राज्य के आधा दर्जन शहरों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पावर सब स्टेशन लगाने वाला है। इसे लगाने के लिए विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। बिहार में ये पावर सब स्टेशन पटना के कंकरबाग, खगौल और बेहटा के अलावे समस्तीपुर, मधुबनी, बेतिया, छपरा, बेगूसराय और किशनगंज में बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में करीब 101 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। 10-10 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर हर पावर सब स्टेशन में लगाए जाएंगे। जिन इलाकों में ये लगेंगे वहां बिजली आपूर्ति में सुधार होने के साथ ही हाई वोल्टेज युक्त बिजली प्राप्त होगी। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने आरोपी रॉकी के घर की ली तलाशी। नीट पेपर लीक मामले में आए दिन एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी बीच CBI की टीम ने बिहार के नालंदा पुलिस की मदद से नीट मामले में आरोपी हिलसा के रहने वाले रॉकी के घर की छापेमारी की है। यहां छापेमारी के दौरान राकेश कुमार उर्फ रॉकी नहीं मिल सका। इसके घर पर ताला भी लगा था। ऐसे में CBI टीम ने वार्ड पार्षद को बुलाया और उनकी मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर तलाशी ली गई। इस तलाशी में CBI के हाथ क्या लगा है, इस मामले का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। बिहार के 37 शिक्षकों को इस वजह से नौकरी से धोना पड़ा हाथ। शिक्षा विभाग ने बिहार के औरंगाबाद के 37 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की तरफ से एक आदेश पत्र भी जारी हुआ है, जहां कहा गया है कि इन 37 अध्यापकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। इन 37 शिक्षकों में 5 शिक्षक रफीगंज प्रखंड से, 6 औरंगाबाद अनुमंडल से, 2 बारून प्रखंड से, 2 ओबरा प्रखंड से, 4 कुटुंबा प्रखंड से, 4 देव प्रखंड से, 2 दाऊदनगर से,
2 दाऊदनगर अनुमंडल से, 6 नबीन नगर प्रखंड से, 3 मदनपुर प्रखंड से, हसपुरा और गो प्रखंड से एक एक शिक्षक शामिल है। अब व्हाट्सएप AI आपके फोटो का तैयार करेगा अलग अलग रूप। व्हाट्सएप में इन दिनों AI से जुड़े कई फीचर देखने को मिल रहे हैं। अब एक और AI से संबंधित नया AI फीचर आने वाला है, जिसमें यूजर्स अपनी फोटो क्लिक करके उसे AI से अलग अलग रूप में बनवा सकते हैं और AI आपके लिए जेनरेटेड तस्वीरें तैयार करेगा। WA Beta Info ने इसकी जानकारी साझा की है, साथ ही एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जहां देखा जा सकता है कि यूजर्स को फोटो का एक सेट लेने की परमिशन मिलेगी, जिसे Meta AI फोटो जेनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आज करीब 10,000 सेवा कर्मियों को नीतीश कुमार सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज संवाद भवन में नव नियुक्त करीब 10,000 सेवा कर्मियों को CM नीतीश पटना में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य में इस नियुक्ति के तुरंत बाद सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन सर्वे कर्मियों का जिला आवंटन कंप्यूटर के जरिए किया गया है। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों का पदस्थापना गृह जिला से इतर के प्रमंडल में और महिलाओं का दूसरे जिला में किया गया है। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण स्वयं नीतीश कुमार करेंगे। इसकी जानकारी बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी है। बिहार के प्रमुख जलाशयों में केवल 17% ही बचा है पानी। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में पता चला है कि बिहार के जलाशयों में सिर्फ 17% ही पानी बचा है। आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार के जलाशय इस वक्त गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, साथ ही इन जलाशयों में लगातार पानी का स्तर भी कम होता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जल संकट गहराने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने देश के मुख्य जलाशयों में केवल 20% पानी उपलब्ध रहने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार में 23 प्रमुख जलाशय हैं। इन जलाशयों में भंडारण क्षमता 7.70 लाख एकड़ फीट है, लेकिन इस वक्त केवल 1.31 लाख एकड़ फीट पानी ही शेष बचे हैं। सांसदों व विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। राज्य के पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित याचिका पर पटना हाई कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करने वाला है। इन मामलों पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। इससे पहले राज्य के जिला जजों को इस मामले में मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट 6 सप्ताह में देने का निर्देश दिया गया था। जुलाई महीने के शुरू होते ही मानसून ने दिखाया रंग। जुलाई महीने के शुरू होते ही मानसून अपना रंग दिखाने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग भी लगातार बारिश को लेकर पूर्वानुमान लगा रहा है। आज भी प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोपालगंज, पटना, अरवल, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास और वैशाली के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में NDA अपनी एकजुटता दिखाने की कर रहा तैयारी। बिहार में विपक्षी NDA की एकजुटता और नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसी के जवाब में बिहार NDA भी विपक्षी दलों को अपनी एकजुटता दिखाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 5 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ बिहार से केंद्र में मंत्री बने सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार से 8 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के लिए शपथ ग्रहण किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि NDA के एकजुटता के इस प्रदर्शन से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को फायदा हो सकता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली राहत। आचार संहिता उल्लंघन का 14 वर्ष पुराना मामला हुआ रद्द। पटना हाई कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है। दरअसल लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ दर्ज केस को अदालत ने खारिज कर दिया है। ये केस जस्टिस संदीप कुमार की बेंच द्वारा खारिज करने का आदेश दिया गया है। लालू और राबड़ी के खिलाफ साल 2010 में पटना एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इन पर आरोप था कि जब लालू राबड़ी अपना वोट डालने वेटनरी कॉलेज बूथ पर गए थे, तो इन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की थी। आज सम्राट चौधरी हटाएंगे मुरेठा। आज से ठीक 22 महीने पहले सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि जब तक वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे नहीं, तब तक वे मुरेठा नहीं हटाएंगे।
अब सम्राट चौधरी अपना मुरेठा हटाने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज वे अपना मुरेठा हटाएंगे। वे पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ अपना काफिला लेकर पटना से बीते दिन रवाना हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर से मुख्यमंत्री बने। उसी दिन हमने ऐलान कर दिया था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में मुरेठा को समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकसित हो, आगे बढ़े, इसके लिए वे प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी शख्स के कहने पर टीम इंडिया के लिए रुके द्रविड़। जल्द ही टीम इंडिया को उसका नया कोच मिल जाएगा। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, जिसके बाद टीम इंडिया के कोच की तलाश जारी है। द्रविड़ का कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वे T20 वर्ल्ड कप तक रुके हैं। ऐसा उन्होंने किसके कहने पर किया है, इसके बारे में द्रविड़ ने खुद जानकारी दी है। द्रविड़ ने कहा कि रोहित मुझे नवंबर में वो कॉल करने और अपने पद पर बने रहने के लिए कहने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस टीम के हर सदस्य के साथ काम करना सौभाग्य था, लेकिन रोहित समय देने के लिए शुक्रिया। कई बार हमें बात करनी पड़ी, चर्चा करनी पड़ी, हम एक दूसरे की बात पर माने भी और असहमति भी दिखाई, लेकिन शुक्रिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 2006 में कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी और स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई थी। आज के दिन वर्ष 2017 में अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। आज के दिन वर्ष 1969 में महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1979 में आरती सिंह राव का जन्म हुआ था, ये एक भारतीय निशानेबाज है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि नियुक्ति के बारे में। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिल रही जहां दावा किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी और 28,500 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। नियुक्ति से पहले 1,090 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। साल में दो बार नहीं हो सकेंगी बोर्ड परीक्षाएं, CBSE ने इस खबर का किया खंडन। एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि CBSE साल में दो बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवा सकेगी, लेकिन वायरल हो रहे इस खबर पर का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने खंडन किया है। CBSE द्वारा इन खबरों को आधार विहीन बताया गया है। बोर्ड द्वारा कहा गया है कि ये पूरी तरह से गलत है और मंत्रालय व CBSE के बीच किए गए किसी भी कम्युनिकेशन में इसका कोई आधार नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 4 बैंकों के विलय की हो रही है तैयारी। 4 सरकारी बैंकों से जुड़ी आज हम आपको एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक बार फिर से सरकार सरकारी बैंकों के विलय की तैयारी कर रही है। इन 4 छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार हुआ है। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किए जा सकते हैं। इस 4 बैंकों में यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इसमें 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें पहला यूको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हो सकता है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विलय भी किया जा सकता है। वहीं दूसरे विकल्प में बैंकिंग सॉफ्टवेयर के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक या इंडियन बैंक के विलय पर विचार किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत होंगे, साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी बनेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 50। इसका सही उत्तर है 52। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सचिंद्र सान्याल,
ऑप्शन सी है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही उत्तर है सचिंद्र सान्याल। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी है 28 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई, इसका सही उत्तर 29 जून। हाल ही में कहां SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है अस्ताना, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है काठमांडू, इसका सही उत्तर अस्ताना। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,60,000 डॉलर का योगदान दिया है? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया, इसका सही उत्तर है भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है नुनू गोलू कुमार, भरत प्रसाद, सदन कुमार, राम बाबू दास, नियाज अहमद, राजीव कुमार, जितेंद्र कुमार सहनी, राकेश मिश्रा, पंकज कुमार दास, मोहम्मद असगर कमाल, सादुल्ला पालवी, विनय कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस मॉनसून की बारिश में आपके क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं? यदि हाँ तो अपने क्षेत्र का नाम हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।